सो हेलो गाइस, वंस अगेन गुड मॉर्निंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सो हेयर डॉक्टर दीपू चौधरी. सो मोस्ट वेलकम ऑन माय वीडियो. सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट विच इज़ स्प्रेड बाय सम स्टूडेंट्स, फेक न्यूज़. सो उसके बारे में बताऊंगा. उससे पहले जो कोई मेरे चैनल पर नया आया है, प्लीज़ जाओ सब्सक्राइब करो, ताकि मैं अभी कंटिन्यू करूँगा वीडियोज़ काफ़ी आपके बारे में, FMG स्टूडेंट्स के बारे में एंड अदर नीट PG के बारे में ऑल्सो. एंड उसके लिए जाओ और सब्सक्राइब करो, ताकि आपको सारी नॉलेज आपके पास टाइम से पहुंच सके. अभी जो मैं फेक न्यूज़ बताने वाला हूँ, वो UPMC के थ्रू बारे में, NMC के बारे में, यूक्रेन एंड फिलीपींस के बारे में. सो नाउ आई विल स्टार्ट माई वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल यार, एक गुड बैड न्यूज़ बोली जा रही है. पता नहीं, मुझे तो कल या परसों मैसेज आया था, तो मुझे दो तीनों ने बताया, तो मैंने कहा ओके आई विल ट्राई, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इश्यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से मैं इतने दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ. तो पहले न्यूज़ बताते हैं यार. पहले एक यूक्रेन वालों की आ रही है कि यार उनको UPMC में इंटर्नशिप करने को नहीं मिल रहा. तो देखो यार, मेरा जो जानकारी है ऐसा कुछ भी नहीं है. और भाई क्यों नहीं मिलेगा, क्या पर्टिकुलर रीज़न है भाई? आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने FMG पास किया है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? तो जो कोई ये फेक न्यूज़ फैला रहा है, उनके जा करके आप उनको नेगलेक्ट करें, इग्नोर करें. बाकी का ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपने प्रॉपर एजुकेशन की है, आपने ट्रांसफ़र भी लिया है, वो भी वैलिड है, और सबको इंटर्नशिप मिलेगी. जैसे मैंने जून में पास किया है, तो जून वालों को भी मिलेगी, चाहे कितने भी बच्चे हों, हर किसी को मिलेगी, जून के हों, दिसंबर के हों. तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि यूक्रेन वालों को नहीं मिलेगी, फिलीपींस वालों को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. चाइना वालों को नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. हर किसी को इंटर्नशिप मिलेगी, अगर आपने प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से किया है तो. ठीक है, अगर आपने ट्रांसफ़र लिया है तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट स्लिप होनी चाहिए. एक का था कि पासिंग सर्टिफिकेट, ओ सॉरी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट स्लिप. या देखो, वो सेम है. जब आपने ट्रांसफ़र लिया होगा ना, तो आपको एक स्लिप मिली होगी, उसका आपके पास फोटो होगा, जेरोक्स होगा, कुछ भी होगा, वही आपका काम करेगा कि आपने ट्रांसफ़र लिया है. एक पर्टिकुलर कोई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं ज़रूरत है, तो उसी से काम चल जाएगा. ठीक है, सेकेंड चीज़ इज़ दैट कि यार, NMC ने काफ़ी रूल्स, काफ़ी पासिंग सर्टिफिकेट विदहेल्ड कर दिए भाई. उनका एक पर्टिकुलर रीज़न है. कुछ लोगों के तो पर्सनल इश्यूज हैं, कि उनको डाउट हो रहा है कि यार आप गए ही नहीं हैं. किसी के पासपोर्ट्स खो गए हैं, लेकिन उन्होंने पासपोर्ट्स नहीं बनवाए. ठीक है, किसी का क्या हुआ, कॉलिब्रेशन की डिग्री है यार. तो इन सबों के लिए बाकी का स्मूथली निकल रहा है, बाकी का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही. जिसने ट्रांसफ़र लिया है उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही. मेन प्रॉब्लम हो रही है कि आपका पासपोर्ट खो गया है और आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कि ना तो आपके पास एक भी स्टैम्प है, ना कोई भी वीज़ा है. तो उसकी वजह से आपका रिजल्ट विदहेल्ड किया जा रहा है, और जो कॉलिब्रेशन वाले हैं उनका भी विदहेल्ड इसलिए किया जा रहा है. थर्ड थिंग इज़ दैट फिलीपींस की डिग्री यार वैलिड क्यों नहीं हो रही इस टाइम. देखो यार, बाकी का जो नए आए हैं, जो पुराने हैं, एक ये रूल आया था शायद मे बी 2020 या 2022 में आया था, कि फिलीपींस की डिग्री इसलिए वैलिड नहीं होगी क्योंकि यार वो विद इन 4 ईयर्स हर चीज़ करा दे रहे हैं. तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है. बिकॉज इन इंडिया ऑल्सो MBBS लाइक 5.5 ईयर्स की है, तो उसकी वजह से आपके मंथ्स डिसाइड किए गए हैं 54 मंथ्स. अगर आपकी 54 मंथ्स कंप्लीट हैं छुट्टी मिला करके, जैसे मैं घर पे आया, जैसे मैं 1 साल में आ रहा हूँ, तो 1 साल की 3 महीने की छुट्टी हो गई, बाकी के मेरे कितने बच रहे हैं, 9 मंथ्स बच रहे हैं. तो 9 मंथ्स मैंने कंप्लीट किए, तो मेरे वो तीनों 12 12 मंथ्स काउंट होंगे, मतलब 1 साल पूरी काउंट होगी. ठीक है, तो जो कोई भी काउंट कर रहा है, वो अपने 54 से कम आ रहे हैं, वो अपनी छुट्टियों को ना काटे, छुट्टियों को भी ऐड करे. आपका कोर्स 5 ईयर्स होना चाहिए और 6 ईयर होना चाहिए, मेन ये चीज़ है, बाकी का सब कुछ वैलिड है. ठीक है, तो फिलीपींस का इसलिए वैलिड नहीं है. बाकी का कुछ है और इश्यूज आ रहे हैं, तो पासिंग सर्टिफिकेट के बारे में भी मैंने बता दिया है. तो आप जो कोई भी आपके डाउट आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करो इनबॉक्स में, मुझे क्या कहते हैं, यूट्यूब पर, और बाकी का मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा. बाकी का ऐसा कोई भी नहीं है. और कुछ और फेक न्यूज़ हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. अभी मेरे पास थोड़ा सा मैं उनके बारे में कंफर्मेशन कर रहा हूं, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें. उससे पहले, देखने से पहले आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से मिल जाए. थैंक यू, आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो. थैंक यू वेरी मच.